जरा क्लास सिक्स के स्टूडेंट्स, हम लोग अभी इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और हम लोग इंग्लिश ग्रामर जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है जॉय ऑफ ग्रामर। हम लोग पिछले क्लास में कुछ सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, क्योंकि लेसन वन हमारा सेंटेंस है, तो सेंटेंस के बारे में पढ़ा था कि सेंटेंस मेनली चार तरह के हो सकते हैं, या तो क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो वो स्टेटमेंट हो सकते हैं जिसे डिक्लेरेशन भी कहते हैं, या वो क्वेश्चन हो सकते हैं जिसे इंट्रोगेटिव कहते हैं, या फिर वो ऑर्डर रिक्वेस्ट या एडवाइस हो सकते हैं जिसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, या वो एक्सप्रेशन हो सकता है जिसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस वो होता है जो कि हमें मीनिंग कंप्लीट सेंस देता है। सेंटेंस क्या है? वर्ड्स का ग्रुप है जो कि हमें एक कंप्लीट सेंस देता है। और अगर कोई वर्ड जो कि सेंस देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है तो वो फ्रेज कहलाता है। तो कुछ एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, आज हम लोग देखते हैं वो बनाना है। हमें कुछ एक्सरसाइज है जिसे करना है। जैसे देखिए, क्वेश्चन है ए है, ए में ये कहा जा रहा है द वर्ड्स गिवन बिलो आर इन जम्बल्ड फॉर्म, पुट देम बैक इन देयर राइट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू एज एन एग्जांपल। आप लोग पेज नंबर 6 देखेंगे जॉय ऑफ ग्रामर में, तो आप देखेंगे ए में दिया हुआ है द वर्ड गिवन बिलो आर इन जम्बल्ड फॉर्म। ये जो वर्ड दिए हुए हैं ये जम्बल फॉर्म में है, मतलब सही ऑर्डर में नहीं है। उसे कह रहा है पुट देम बैक इन दियर राइट ऑर्डर, इसे उसे आप दोबारा से उसके राइट ऑर्डर में लिखिए। क्यों? टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल, पहला आप एग्जाम्पल के तौर पे आपको बनाकर दिखा दिया गया है। पहला है ए वन है, फोर स्क्वायर ए हैज साइड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसको ऑर्डर में लिखा गया है ए स्क्वायर हैज फोर साइड्स। उसी तरीके से सेकंड देखिए, सेकंड है ग्रीन वोर द गर्ल ए कोट, इसको हम सही ऑर्डर में लिखेंगे तो सेंटेंस जो बनेगा वो होगा द गर्ल वोर ए ग्रीन कोट। थर्ड है स्लोली कार्ट मूव्ड रोड द ऑन, ऑर्डर में लिखने के बाद सेंटेंस बनेगा वो ये होगा द कार्ट स्लोली मूव्ड ऑन द रोड। फोर्थ है पर्सिया लिव्ड देयर इन अलादीन कॉल्ड ए यंग बॉय, सेंटेंस नहीं ना हुआ ये, इसको हम रीअरेंज करेंगे, करेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे तो सेंटेंस होगा देयर लिव्ड ए यंग बॉय इन पर्सिया कॉल्ड अलादीन। फिफ्थ है इयर्स सम डाइड फादर हिज हैड बिफोर, इसे हम ऑर्डर में लिखेंगे तो सेंटेंस होगा हिज फादर हैड डाइड सम इयर्स बिफोर। उसके बाद सिक्स्थ है हिज प्लेइंग फ्रेंड्स विद स्पेंट डे ही द स्ट्रीट इन हिज, इसे रीअरेंज करेंगे ऑर्डर में लिखेंगे तो सेंटेंस होगा हिज फ्रेंड्स स्पेंट द डे विद हिज प्लेइंग इन स्ट्रीट। इस पे थोड़ा देखिए, इसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या मिसप्रिंट है, आई डोंट नो मिसप्रिंट है। वैसे देखिए ऐसे इसमें मिसप्रिंट लग रहा है, जैसे देखिए यहाँ जो है हिज दो जगह दिया हुआ है, एक जगह हिम होना चाहिए था, जैसे हिज फ्रेंड्स स्पेंट द डे विद हिम, यहाँ पे हिम होना चाहिए, ये हिम होता या ये हिम होता कोई होता तो यहाँ हिम लिखते हैं। प्लेइंग ऑन द स्ट्रीट, दो जगह होना चाहिए था और यहाँ इन नहीं ऑन होना चाहिए था, लेकिन जो वर्ड दिया हुआ है उस वर्ड को अरेंज करने के बाद ये सेंटेंस बनता है हिज फ्रेंड्स स्पेंट द डे विद हिज प्लेइंग इन स्ट्रीट। His friend spent the day playing
विद हिम इन स्टडी। तो ये 2 से 6 तक है और 7 इसमें 8 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन है, 10 ग्रुप ऑफ वर्ड है। तो आगे और को हम बनाते हैं, देखिए आगे देखिए 7th है, ये ग्रुप्स ऑफ वर्ड है, फ्रॉम इजिप्ट टू सी हिम स्ट्रेंजर ए वन डे किंग। इन सब को अरेंज करने के बाद सेंटेंस बनता है, वन डे ए स्ट्रेंजर केम टू सी हिम फ्रॉम इजिप्ट। अर्थ है, हु ब्लैक मैजिक मैजिशियन नेम वाज ही। इसको रीअरेंज करने के बाद, ऑर्डर में लिखने के बाद सेंटेंस बनता है, He was a magician who knew black magic. Ninth है, called he Aladdin over asked and was son if he the Mustafa of the tailor. इसको रीअनालाइज करने के बाद, correct order में लिखने के बाद जो sentence बनता है वो है, He called over the Aladdin and asked if he was the son of Mustafa Taylor. Tenth, gave coins gold to claim Aladdin to he and was that uncle his he. इसे rearrange करने के बाद, correct order में form लिखने के बाद, ये हमें sentence मिलता है, He gave two gold coins. And claimed Aladdin that he was his uncle. This was your section is some groups of words which had converted into sentence. Today I will do stop class. We will do section B in next class. So, thank you.